बीज के गोदाम में हवा का संचालन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा गोदाम के अंदर कहीं कहीं हॉटस्पॉट बन जाता है जिसे गर्म स्थान कहते हैं, जिसमें बीज की गुणवत्ता बहुत ही तेज़ी से घटती है और अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए कहाई के बाद बीज को पतली तारपोलिन की परत पर के ऊपर सुखाना चाहिए। बीज को सीधे ज़मीन के ऊपर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि यदि धूप ज़्यादा हो तो ज़मीन गर्म होने लगता है और वह स्थिति बीज के अंकुरण के लिए अच्छी नहीं होती है। कटाई और गहाई के बाद सोयाबीन में कुछ कूड़ा करकट, फलियों के छिलके और मिट्टियां रह जाती है। इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो मिट्टियां जो लगी हुई रहती हैं बीज के साथ, मिट्टियों के छोटे छोटे ढेर, वो वातावरण में उपस्थित नमी को सोखते हैं और फिर वो बीज के अंदर उस नमी को छोड़ देते हैं और बीज उसे पुनः अवशोषित कर लेता है, जिससे बीज में फिर से फफूंद लगने खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बीज की बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। सुखाने के बाद बीज को जूट की बोरियों में भरकर सीधे ज़मीन के ऊपर ना रखें। बीज की बोरियों को लकड़ी या लोहे के पाटे के ऊपर रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अन्यथा ज़मीन से निकलने वाली जो नमी होती है वो धीरे धीरे ज़मीन से सटे हुए बोरे पर जाती है और बोरियों के अंदर की बीज उसे उस नमी को अवशोषित करती, उसके बाद वो अगली बोरी में सटी हुई बोरी के ऊपर भी वो नमी फैलने लगती है। इस तरह से बहुत सारे बीज खराब हो जाती है एक साथ। बीज उत्पादन वाले खेत में फसल पकने के 15 दिन पहले ही फफूंदनाशक दवा जैसे वेबिस्टिन 0.1% का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि पकी फसल में बारिश हो जा रही है और बारिश होने पर बीज में फफूंद लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो फफूंद लगने से थोड़ा सा बचाया जा सकता है। थोड़ी प्रिकॉशन कर लें तो आपकी बीज अच्छी रह सकती है कटाई के बाद भी। तो इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो सोयाबीन की बीज को अगली वर्ष अगली बुआई के लिए भी आप रख सकते हैं और उसमें अंकुरण क्षमता बरकरार रख सकती है। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।